بسم الله तख्वे परवरदिगार की तरफ दावत देते हुए, इसलिए कि तख्वे इलाही उस निज़ाम, उस सिस्टम, उस तरीक़े ज़िंदगी ज़िंदगी गुजारने के सिस्टम का नाम है कि जो इंसान को उस कमाल तक पहुंचाता है कि जिस कमाल तक कोई दूसरा सिस्टम नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए कि सिस्टम जितना परफेक्ट होगा, इंसान उतने ही सही तरीके से और सही जगह पे पहुंचेगा। अगर इंसान को सफ़र करना होता है तो इंसान कोशिश ये करता है कि उस सवारी को अपनाए जो सवारी से दो तरह का यकीन हो। एक तो ये यकीन हो कि वो मकसद तक पहुंचेगी, दूसरा यकीन हो कि रास्ते में धोखा नहीं देगी, रास्ते में ख़राब हो गई, टूट गई, बिगड़ गई, यानी कमज़ोर भी ना हो, मकसद तक पहुंचने का यकीन भी हो। तख्वे परवरदिगार उस सिस्टम का नाम है कि जो मकसद तक भी पहुंचाएगा, मकसद तक पहुंचने का यकीन भी है और कहीं से कमजोर भी नहीं पड़ने वाला है, बीच में कहीं टूटने वाला नहीं। न ये कि खुद ये सिस्टम कमजोर है, बल्कि जो इस सिस्टम को अपनाता है वो भी मजबूत हो जाता है। हाँ, ये और बात है कि सही तरीके से सिस्टम को अपनाए, ये और बात है कि जो सिस्टम के तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा करें, ये और बात है कि सिस्टम की अहमियत को समझें। कुर्बानी हर जगह देनी पड़ती है, लेकिन इंसान को ये नहीं मालूम होता है कि हमको किस चीज को किस पे कुर्बान करना है। ये बहुत अहम चीज है। तख्वे परवरदिगार उस सिस्टम का नाम है कि जिसको अपनाने के लिए कुर्बानी चाहिए। कभी हम दीन के लिए दुनिया कुर्बान करते हैं, कभी दुनिया के लिए दीन कुर्बान करते हैं। उसूल क्या है? छोटी चीज बड़ी चीज पे कुर्बान होती है। हमारी निगाहों में जब दीन बड़ा होता है तो उसके लिए दुनिया कुर्बान करते हैं। और वो दूसरा जुमला अच्छा नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात अमल में नजर आता है। खुदा ना खास्ता अगर कभी हमारे लिए दुनिया बड़ी है तो उसके लिए इसी का शिकवा किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। الناس عبيد الدنيا ودين ولعق على ألسنتهم يهودونهما دارت معيشهم لله فإذا محس بالبلاء قلت دينا। लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन उनकी जबानों से चिपका हुआ है। जब तक कोई मुश्किल पेश नहीं आती उस वक्त तक सब कुछ अल्लाह के लिए, लेकिन जब इम्तिहान आजमाइश की घड़ी आती है उस वक्त दीनदार कम होते हैं। तो पहले यह तय हो कि कौन सी चीज छोटी है, कौन सी बड़ी है, किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू ज्यादा। यहां पे आके आमतौर से इंसान धोखा खाता है। तख्वे परवरदिगार को अपनाने में इस जगह मुश्किल पेश आती है। इंसान को ये नहीं समझ में आता कि किसको किस पे कुर्बान करे। उसकी बहुत सारी वजह है, जरूरी नहीं कि इसमें उस इंसान की गलती हो। बाज़ औक़ात जो दीन उस तक पहुंचाया गया है उसके पहुंचने में गलती है, बाज़ औक़ात जिस चीज की बचपने से वैल्यू महसूस कराई गई है, कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें महसूस कराई जाती हैं, बाज़ औक़ात वहां पे गलती होती है, बाज़ औक़ात माशरे और समाज के अतबार से ये इस तरह से खराबियां होती हैं। खूब, लेकिन इन सारी गलती में बहरहाल किसी न किसी हद तक खुद इंसान भी इस हैसियत से शरीक है कि उसने सही चीज को हासिल नहीं करने की कोशिश की या कर नहीं पाया, अगरचे उसका रास्ता मौजूद है। लेकिन अगर ये सारी चीजें परफेक्ट हैं तो फिर इंसान को इस तख्वे परवरदिगार के सिस्टम पे अमल करने में, इस रास्ते पे अमल करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। और जब इस पे मुश्किल पेश नहीं आएगी तो फिर कमालात तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आइए इसके बाद हमारी गुफ्तगू इबरतों के सिलसिले में चलती है। सूरह मोमिनून के जिन में हमने आपकी खिदमत में इससे पहले मुसलसल एक गुफ्तगू पेश की है कि खुदाबंद मुताल ने उस
रसूल की उम्मत के लिए अजाब का जिक्र किया, उस पर वो अजाब नाजिल किया कि जो इंसान की तरबियत के लिए होता है। फिर वो अजाब, वो दो किस्में आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं कि जब तरबियत के इम्कान नहीं होते हैं तो खुदा फिर सख्त तरीन अजाब को नाजिल करता है, उसका जिक्र हुआ। फिर उसके बाद खुदा वंद मताल ने अपनी नेमतों का जिक्र किया कि शायद इन नेमतों को सुन के इंसान को हिदायत मिल जाए, इंसान हिदायत याफ्ता हो जाए। जब ये नेमतों का जिक्र हुआ, अजाब, ये सारी चीजें बयान की गई, तो अब बलकालू मिसला मा काल अल अव्वली अव्वलून, बल्कि उन लोगों ने भी वही कह दिया कि जो उनके पहले वालों ने कहा था। ये उम्मत वो कह रही थी कि जो उसके आबा अजदाद ने कहा था। क्या मतलब? जब सारा परफेक्ट रास्ता सामने आता है तो उस वक्त इंसान के बहकने का एक बहुत बड़ा रास्ता ये होता है कि वो अपने बाप दादा को फॉलो करता है, आबा अजदाद को, बाप दादा को फॉलो करना। ऐसा नहीं कि 100% गलत है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% सही। हमारे सामने मेयार इस्लाम, अगर हमारे आबा अजदाद बाप दादा उस इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक हैं तो उनको फॉलो करें, क्योंकि यहां पे भी दरवाजे हम बाप दादा को नहीं इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। हमारा मकसद, हमारा तरीकाकार इस्लाम को फॉलो करना है, कोई और चीज फॉलो करना नहीं, इस निजाम को, इस सिस्टम को। मुश्किल यहां पेश आती है जहां इंसान के जहन में यह बात आती है कि हमारे बाप दादा ये करते थे, उसको हम कैसे चेंज करें, बाप दादा की पुरानी रस्म को कैसे तोड़ दें, आबा अजदाद की पुराने रवाज को कैसे तोड़ दें, ये चेंजेस कैसे। दरवाके यही कुर्बानी, दरवाके यही पे आके इंसान का कमाल, यही वो रास्ता है कि जहां पे इंसान कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में फैसला कर लेता है कि हमको किस रास्ते पे जाना। और अगर एक बहुत क्लियर उसमें बात की जाए तो बाज़ औकात ये रसूमात की जो हमारी खानदानी रसूमात होती हैं, ये बुत बन जाती है। बुत किसे कहते हैं? बुत सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, बुत सिर्फ पत्थरों के नहीं होते, बुत यानी हर वो चीज जो हमारे और खुदा के बीच में हायल हो जाए, रुकावट बन जाए, वो बुत। अब अगर ये रसूमात हमारे खुदा के बीच में रुकावट बन जाए, रसूमात बुत है। अगर कल्चर हमारे खुदा के बीच में रुकावट बन जाए तो वो कल्चर बुत है। अब अगर किसी रस्म की बुनियाद पे, बाप दादा की जो रस्म चली आ रही है उसकी बुनियाद पे, सिर्फ इसलिए कि हम उस रस्म को जिंदा रखें, उस रस्म को फॉलो करें, इसकी बुनियाद पे सही रास्ता छूट जाए, तो ये रस्म बुत हो गई, हमने इसकी बुनियाद पे खुदा को छोड़ दिया। बहरहाल ये जो आयत शरीफा में बात की गई है दूसरे उनवान से दूसरे लोगों के लिए, लेकिन अगर हमारे दरमियान ये प्रॉब्लम है तो दूसरे उनवान से है। लेकिन असल मसला वही है, असल बात वही है, वो ये कि असल बात कि कभी भी रसूमात की बुनियाद पे दीन नहीं छोड़ना चाहिए, बाप दादा की रविश की बुनियाद पे हमको इस्लाम के निजाम को नहीं छोड़ना चाहिए, इस्लाम का निजाम हमारे लिए अहम। इन्होंने कहा कि वही कहा कि जो उनके पहले वालों ने कहा था। क्या कहा उनके पहले वालों ने? कालू आयजा मितना व कुन्ना तुराबन व इजामन इन्ना लमबऊसून, क्या उस वक्त जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी में तब्दील हो जाएंगे तो क्या दोबारा उठा जाने वाले? उनको इस बात पर यकीन नहीं था। सारी मुश्किल इसी में, अगर हमको अपने सारे काम के मौके पे यकीन हो जाए कि हम इस टाइम जो कर रहे हैं इसका हमको खुदा के यहाँ हिसाब देना है, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो एक सेकंड के लिए भी इंसान नहीं बहक सकता। मुश्किल तब होती है कि जब ये इंसान भूल जाए, वो लोग की जो बिलीव नहीं रखते हैं वो बिलीव यकीन और ईमान नहीं रखते, वो लोग जो ईमान रखते हैं वो तब गुमराही का शिकार होते हैं जब इस चीज को भूल जाते हैं। अगर ये चीज यकीन हो तो इंसान इतना मोहतात हो जाएगा कि जहां हल्का सा शक भी होगा वहां इंसान नहीं जाएगा। मुश्किल तब पैदा होती है जब हम नतीजे को भूल जाते हैं, आकिबत को भूल जाते हैं। मिसाल दें, एक इंसान प्यासा है और तेज प्यास लगी, सामने एक गिलास में बेहतरीन ठंडा पानी रखा, आप वो पानी पीने जा रहे हैं, किसी ने आके कह दिया कि एक हल्का सा शक पाया जाता है कि शायद इसमें जहर, यकीन नहीं शायद इसमें जहर हो सकता है, वो हो सकता है नहीं भी हो, आप पीना पी लीजिए आपको मुश्किल नहीं, लेकिन शायद हो सकता है इसमें जहर हो। इंसान से बताइए कि इस प्यास के बाद ये ठंडा पानी जो आपके साथ एक साफ गिलास में रखा हुआ है सामने पियेंगे? क्योंकि उस जहर का नतीजा मालूम,
उसकी आकिबत निगाहों के सामने है। लिहाजा इस प्यास के बावजूद इंसान उस पानी को रख देगा कि अभी इस प्यास से मर थोड़ी रहेगी, उसको पीने में तो मर जाएंगे, नहीं पिएगा इंसान, क्योंकि आकिबत निगाह के सामने। कौन पिएगा? जिसको इसकी आकिबत, इसका नतीजा नहीं मालूम हो, वो पिएगा। गुनाह होते ही तब है जब हम आकिबत को भूल जाते हैं, नतीजे को भूल जाते हैं। अगर नतीजा याद रहे तो इंसान इतने ही, इससे ज्यादा एहतियात करेगा। ये एहतियात तो यकीन नहीं इसमें पानी, और जब यकीन है तो क्या, नहीं एहतियात ना पिए तो क्या हर्ज है, पी लिया होगा जहर हो गया तो जान तो चली जाएगी ना, फिर दोबारा वो चांस नहीं हाथ में आने वाला। लिहाजा अगर इंसान अपनी आकिबत को ना भूले, अपने आखिरत को ना भूले, तो ऐसी मुश्किल पेश नहीं आने वाली। तो ये इनकार करते हैं, हमारे यहां भूलते ही इनकार करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम मर गए तो क्या मिट्टी हड्डी हो गई, क्या दोबारा उठाए जाने वाले हैं। फिर उसके बाद अगली आयत में खुदा इरशाद फरमाता है, वलकद वादना नहनु आबाउना हाजा मिन क़ब्लु इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि बेशक ऐसा ही वादा हमसे भी किया गया है और ऐसे ही पहले वालों से भी किया गया, लेकिन ये सिर्फ पुराने लोगों की कहानियां, यानी इन लोगों को इस पे यकीन नहीं था। उनकी इस दास्तान से हम इबरत लें, और इबरत लेने के बाद अपने अंदर वो अच्छाइयां लाने की कोशिश करें कि जो हमको और हमारे मुआशरे को बेहतर बनाए। आइए अमीर बयान मौलाए मुत्तकियान हजरत अली कि जिस कॉल पे मुसलसल गुफ्तगु चल रही है कि जिसमें मौला ने इस दिल के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि ये वो दिल है कि जिसमें मुतजाद अलग अलग तरह की सिफात पाई जाती हैं, ये इंसान के ऊपर है कि इंसान किस तरफ ज्यादा झुकाव पैदा करता है। उसका एक जुमला हर हफ्ते एक पॉइंट जिक्र हो रहा था, इस हफ्ते एक जुमला, और जब भूख थका देती है तो कमजोरी बिठा देती है। भूख थका देती है का मतलब, यानी जब इंसान मादी एतबार से इतना कमजोर हो जाए कि भूख की बुनियाद पे थक जाए, अब ये कमजोरी जो पैदा होती है इंसान को बिठा देती है, इंसान कयाम नहीं कर पाता है, इंसान किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है इंसान। अब ये दरवाजे से एक तरह की मायूसी भी पैदा होती है, अगरचे मायूसी के लिए इससे पहले खुद मौला ने इसमें एक बात अर्ज की थी, वो हम आपकी खिदमत पेश कर चुके हैं। ये मुख्तलिफ तरह से इंसान कमजोर होता है, मुख्तलिफ तरीके से इंसान अपने आप को कमजोर महसूस करता है। अगर हम कुल्लन इस मादी चीज से मुताल्लिक बात करें तो दरवाजे इससे मौला ये कहना चाहते हैं कि मादियात की बुनियाद पे हमको कमजोर नहीं होना चाहिए, मादियात का कम होना इंसान को कमजोर नहीं करता है। ये दुनिया का एतबार है, ये दुनिया की फिक्र है, ये दुनिया की सोच है कि जिसके पास मादियात कम हो वो कमजोर नहीं। मादियात की बुनियाद पे इंसान कमजोर, कमजोर वो है कि जिसके पास इल्म कम है, कमजोर वो है जिसके पास फिक्र कम है, कमजोर वो है जिसके पास शऊर कम है, कमजोर वो है जिसके पास दीन कम है, कमजोर वो है जिसके पास कैरेक्टर में कमी है। इन सारी चीजों के साथ कि सारी चीजें अच्छी हो सकता है कि इंसान के पास माल कम, हमेशा जब माल की गुफ्तगू होती है तो हम ये जरूर कहते हैं और फिर कहेंगे कि इन सारी चीजों का मतलब ये नहीं कि हम माल से किनारे हो जाएंगे, ऐसे सूफी भी नहीं बनना, अगर वो भी इस मसले में सूफी नहीं होते हैं आमतौर से कि हमको माल को तर्क कर देना है, नहीं, इस्लाम ऐसा कुछ नहीं कहता है कि माल नहीं कमाए, आप खूब कमाए, हलाल तरीके से कमाए, हलाल तरीके से खर्च करें, जितना कमाएंगे उतना कौम मजबूत होगी, कौम के लिए खर्च होगा। माल को मकसद ना बनाए, दिल ना लगा ले माल, दिल अटका हुआ है कि मसलन आज इस जगह पे इतना, नहीं ऐसा नहीं है, माल है वो तो आने जाने की चीज है, आएगा जाएगा, उससे बहुत ज्यादा अटक ना जाए इंसान, उसको अपनी जिंदगी का मकसद ना बना ले, उसके ना होने की वजह से गमगीन होकर बैठ ना जाए, प्रॉब्लम ना पैदा होने पाए उसकी वजह से। लिहाजा अगर इंसान के यहां मादी प्रॉब्लम है तो उस बुनियाद पर आप देखें सदर इस्लाम में जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को पेश कर रहे हैं उस वक्त, फिर जब ये लोग हिजरत करके मक्के से मदीने आए, सब कुछ छोड़ के आए, जिनके पास मदीने में प्रॉपर्टी थी माल था, जब ये जिनके पास मक्के में प्रॉपर्टी थी माल था, जब ये मदीने पहुंचे हैं तो खाली हाथ थे। ये और बात है कि
अंसार ने अपनी आधी प्रॉपर्टी मुहाजरीन को दे दी थी, वो उनकी कुर्बानी थी। इन्होंने भी माल से दिल नहीं लगाया, उन्होंने भी दिल नहीं लगाया जो दे दिया, वरना ये खाली हाथ हो गए थे। लेकिन इस खाली हाथ होने के बावजूद, गुरबत के बावजूद भी इनका दीन कमजोर नहीं था। आप इस्लाम के अवाइल की जंगें देखें, जहां मुसलमानों ने पेट पे पत्थर बांध के जंगें लड़ी हैं, भूखे रह के जंगें लड़ी हैं, फाका करके जंगें लड़ी। करबला इसी दास्तान का नाम है। करबला माल की जंग नहीं, यजीद को माल पे नाज था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने असहाब के ईमान पे नाज था। माल इंसान को मजबूती बनाता है। यजीद जितनी मजबूती थी उसकी सारी मजबूती मादियात की मजबूती थी, सरकार सैयद शुहदा की जितनी मजबूती थी वो सारी मजबूती रूहानियात की मजबूती थी। जब मादियात और रूहानियात की जंग हुई तो तारीख खुद फैसला देती है आपके सामने कि मादियात बावजूद इसके कि तख्ता हुकूमत था, खजाना सब कुछ था, लेकिन नहीं जीत पाई। रूहानियात 72 लोगों में रह के भी जीत गए, और ये 72 से भी कम होते तब भी जीत जाते, तब भी जीत जाते। और आज की दास्तान भी यही है। बड़ी बड़ी सल्तनतें हुकूमतें हक के खिलाफ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन जीतता बहरहाल हक है, उनके सारे मादियात अपनी जगह पर रह जाते हैं। लिहाजा कभी भी इंसान को भूख की वजह से थकना नहीं चाहिए। क्या मतलब इसका? फला काम करेंगे तो ये मुश्किल पेश आ जाएगी, फला काम करेंगे इनकम में कमी हो जाएगी, फला काम करेंगे बड़े लोगों से ताल्लुकात कट जाएंगे, फला काम करेंगे बड़े लोग कहा कर हमारी किसी काम के लिए मेयार ये नहीं है कि माशरा हमको सही कहे, किसी काम के करने से हमको दौलत मिले, माल मिले। अब ये और बात है कि आज हमारी फिक्र ऐसी बना दी गई है कि दीन पे अमल करोगे तो माल मिलेगा। दीन मजदूरी का नाम नहीं है कि काम करेंगे तो माल मिलेगा। दीन जिम्मेदारी के अंजाम देने का काम है। सदर इस्लाम में दीन पे अमल करने की बुनियाद पे कितने लोगों ने फाका किया है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा वक्त है कि दीन की बुनियाद पे फाके की नौबत नहीं आ रही लोगों, बहुत आगे निकल गए उस हिसाब से। लिहाजा कभी भी मादियात के डर से हमको अपनी मजहबी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत अजीब और बहुत अहम पॉइंट है मौलाए कायनात का कि जिसकी बुनियाद पे पूरी कौम में एक रूह फूकी जा सकती है। जब हमको दीन के लिए काम करना है तो किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। और ये तय है कि जिस इंसान के अंदर जितना ज्यादा कुर्बानी का जज्बा होगा वो उतने ही ज्यादा कमाल पे होगा। अगर इंसान किसी चीज से बड़ा होता है तो कुर्बानियों से बड़ा होता है। जितना इंसान राहे खुदा में कुर्बानी देगा उतना ही बड़ा होगा। आज कायनात में वो लोग नहीं बड़े हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा माल और सल्तनत और हुकूमतें जमा कर ली, वो लोग बड़े हैं जिन्होंने कुर्बानियां साझा की। दास्तान करबला यही बताती है। आप अगर दास्तान करबला को उठा के देखें तो दास्तान करबला में यजीद के पास बहुत बड़ी हुकूमत थी, सल्तनत थी, यजीद के पास बहुत माल था, पूरी आर्मी थी, फौज थी, सब कुछ था, या उससे पहले के सालिमीन के पास सब कुछ था, सारे मादियात थे, लेकिन इन चीजों ने उसको बड़ा नहीं बनाया। बड़ा किसने बनाया? सरकार सैयदुश्शोहदा की कुर्बानी ने आपको बड़ा बनाया। इतनी अजीम कुर्बानी थी कि आज वो हर मजहब हर मसलक सब के लिए नमूने अमल बन गए। आज भी इस दुनिया में जो वक्त के यजीद हैं वो भी उसी यजीद के रास्ते पे चल रहे हैं। वो समझते हैं कि माल दुनिया जमा करके हम बड़े हो जाएंगे, हुकूमतों की बुनियाद पे सब कुछ कर लेंगे। हुकूमतें उनका साथ नहीं दे पा रही, लेकिन वो अफराद की जिनके पास एक परफेक्ट किरदार है, जिनकी यहाँ कुर्बानी देने का जज्बा है, वो बड़े, और बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके सामने मजबूत और लाचार नजर आ रही। लिहाजा कभी भी दीन के लिए कोई काम करने की बुनियाद पे जो जाहिरन हमको लगता है कि नुकसान, नुकसान नहीं है, ये कुर्बानी है, और कुर्बानी कभी नुकसान में नहीं होती, हमेशा फायदे में होती है। उसका अज्र यहां भी उसका सिला मिलता है और उसका आखिरत में भी सिला और अज्र मिलता है। लिहाजा हमारे अंदर वो जज्बा कुर्बानी पैदा हो कि जिसकी बुनियाद पर हम दीन की खिदमत कर सकें, यही राह करबला है, यही पैगाम है करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إِنَّا عَتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ إِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المستعدون اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية اللهم صل على محمد وسولة الحيدرية اللهم صل على والعصمة الفاطمية اللهم صل على محمد والحلم الحسنية اللهم صل على محمد والشجاعة الحسينية اللهم صل على محمد والعبادة السجادية اللهم صل على محمد والآثار الباقرية اللهم صل على محمد والمأثر الجعفرية اللهم صل على محمد والعلوم الكاظمية اللهم صل على محمد والرضاء وضبية اللهم صل على محمد والجود التقوية اللهم النقبية اللهم صل على محمد وآل محمد والهيبة العسكرية اللهم صل على محمد وآل محمد والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تخوہ پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں اگرچہ ترتیب کے حساب سے بعد کی مناسبت ہے لیکن اہمیت کے حساب سے سب سے اہم سرکار کائنات احمد مجتبی محمد کی ولادت بعد سعادت ہے آنے والی 17 ربیع الاول کائنات کی افضل ترین ذات یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میرے حبیب حدیث قدسی میں ہے یہ مفہوم کہ ہم ایک چھپے ہوئے خزانہ تھے جب ہم نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں تو ہم نے آپ کو خلق کیا سرور کائنات کہ خلقت اور آپ کے بعثت کے مقاصد ہمارے لیے بہت اہم ہیں خود ذات رسول آج ہمارے بیچ میں نہیں رسول کی شہادت ہو گئی ابھی کچھ دن پہلے 28 سفر کو آپ نے غم بنایا رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن رسول بعنوان جسم رخصت ہوئے بعنوان کردار رخصت نہیں ہوئے بعنوان شریعت رخصت نہیں ہوئے بعنوان سسٹم اور نظام رخصت نہیں ہوئے لہذا رسول ہمیشہ زندہ رسول ہر جگہ زندہ رسول سب کے پاس زندہ جو رسول کے کردار کو اپنا لے رسول اس کے لیے زندہ اور جو رسول کے کردار کو نہ اپنائے اس کے لیے رسول زندہ نہیں ہے یا ہو سکتا ہے اس کے لیے رسول پیدا ہی نہ ہوئے رسول ہمارے کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں رسول ہمارے نظام کو رسول صرف افراد کی تربیت کے لیے نہیں آئے تھے رسول معاشرے کی تربیت کے لیے آئے تھے رسول چاہتے ہیں معاشرہ لہذا یہ جو محفلیں ہوتی ہیں جو جشن ہوتے ہیں جو پروگرام ہوتے ہیں جن میں ہم سرکار کائنات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں درواقع یہ انبیاء اور ائمہ کی ولادت کے منانے کے پیچھے مقصد اور فلسفہ یہی ہے کہ ہم ان کے کردار سے ہم ان کی زندگی سے وہ اچھائیاں اپنائیں کی جو ہم کو بہتر بنا دیں ہم پہچانے جائیں اہم ترین چیز یہ ہے آج ایسے حالات میں جبکہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہرحال چونکہ میڈیا دشمنوں کے ہاتھ میں ہے لہذا وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں ایسے میں سب سے اہم اور سب سے پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے کردار کو اتنا اچھا بنا لے کہ ہمارا پڑوسی جو نان مسلم ہوئے دیکھ کے کہے کہ نہیں مسلمان اچھا ہوتا ہے بے شک
ये खुद एक मीडिया, ये खुद एक मीडिया। जब हम रोड पे आए तो लोग कहेंगे नहीं मुसलमान से कोई गलती मुमकिन नहीं, ये दावत इस्लाम है दरबार, ये चलती फिरती तबलीग। इसी 17 तारीख को जो दूसरी विलादत की मुनासिबत है, सादिक आले मोहम्मद इमाम फरमाते हैं कि लोगों को बगैर जबान के दावत दो, जबान से अपने आमाल से, अपने किरदार से। ये जो सिस्टम और निजाम बनाया गया है विलादत के मौके पे महफिल, शहादत के मौके पे मजलिस, इन महफिलों मजलिसों में जो खुशियां हैं, ये खुशी वो खुशी नहीं है कि जो जमाने के मादियात की खुशियां होती है, ये खुशी किरदार की खुशी है, ये खुशी रूहानियत की खुशी है। मादियत की खुशी और रूहानियत की खुशी में फर्क हुआ करता है। रूहानियत की खुशी में किरदार लिया जाता है, सिस्टम लिया जाता है, अपने किरदार को तब्दील किया, अगर वो अच्छे हैं तो हम उनको फॉलो करें। लिहाजा एक वो कि जो शरीयत का लाने वाला, एक वो जो शरीयत का बचाने वाला। हमारा मकसद क्या कि हम इस ज़ाते रसूल और अलैहिस्सलाम के जरिए से अपने खुदा को पहचानने की कोशिश करें। हम छिपे हुए खजाना थे, हमने चाहा कि हम पहचाने जाए तो आपको, ये मकसद। मकसद मबूस होने के मकसद में सूरह जुमा में हर हफ्ते आप सुनते हैं कि रसूल को क्यों मबूस किया गया। आयात की तिलावत, तज़किया नफ्स, किताब व हिकमत की तालीम, ये तीन वो अहम चीज है। हमने से पहले खुद इस आयत पे मुसलसल गुफ्तगू की और बताया कि ये हमारे यहाँ एक तालीम का, एजुकेशन का बेहतरीन सिस्टम है जो कुरान बता रहा है। तो वाकई यही सिस्टम है तालीम का। दुनिया इस नाकिस सिस्टम को लागू कर रही है, जिसको दुनिया तालीम समझती है वो नाकिस तालीम है, नाकिस एजुकेशन। जो एजुकेशन, जो तालीम तरबियत से खाली हो वो कामिल नहीं हो सकता है, नाकिस है। अलबत्ता वो अपने हिसाब से तरबियत करते हैं, जो तरबियत भी शायद सही। लिहाजा ये वो दो अहम मुनासिबतें हैं कि जो आने वाली 17 रबीउल अव्वल। इसी मुनासिबत के नतीजे में बहुत अहम अय्याम जो चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बिरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल सरकार की विलादत की तारीख है, जो वो मानते हैं, अगरचे हमारे यहाँ हमने पिछले हफ्ते जिक्र भी किया, लेकिन मुतबर वो लोग मुतबर इसको मानते हैं और हम लोग 17 को मानते हैं। इस जमाने के बेहतरीन दुश्मन शनास और उम्मत को बेदार करने वाली जात, जिसने इस जमाने में जबकि इस्लाम को तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे हालात में अमरीकाई दीन के सामने, ब्रिटिश के दीन के सामने, इसराइल के दीन के सामने इस्लाम नाबे मोहम्मदी और वाकई इस्लाम को पेश करने की वो शुजाआना तहरीक चलाई और हिम्मत की है इमाम उम्मत, इमाम राहिल हजरत इमाम खुमैनी, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्होंने मुसलमानों पे होने वाले जो हमलात हैं, जिसकी बुनियाद से मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया जा रहा है, उन्होंने इस खतरे को आज से कई साल पहले महसूस कर लिया था। उस वक्त उन्होंने बुनियाद डाली इस हफ्ते वहदत की कि हम रसूल की विलादत को, विलादत की खुशियों और जश्न को 12 और 17 में न बांटें, बल्कि 12 से शुरू करके 17 तक मनाएं। हफ्ते वहदत, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म, मुसलमान के तफरीके खत्म हो जाएंगे, इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। अगर हम चाहते भी हैं किसी की इस्लाह करना, तो हमको उससे गुफ्तगू करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। किसी को दुत्कार के उसकी इस्लाह नहीं होती है, किसी को भगा के उसकी इस्लाह नहीं होती है, किसी को बुरा भला कह के उसकी इस्लाह नहीं होती है। इस्लाह हमेशा मोहब्बत से होती है। रसूल ने कूड़े के मुकाबले में मोहब्बत पेश की थी, मशहूर वाकया है, मालूम है आप लोगों को, सीरत रसूल हमारे सामने। लिहाजा ये हफ्ते वहदत आज इस माशरे की जरूरत का नाम है, इस्लाम की जरूरत का नाम है। आज हमारे दरमियान बेहतरीन राह हल है कि जो हमको बहुत सारी मुश्किलात से बचा सकता है। जिस पाकिस्तान में इतने मुसलमान मर रहे हैं, अगर उनके बीच में वहां होता है हफ्ते वहदत, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, बहुत सारे लोग इसमें शिरकत करते हैं, बिरादरान अहले सुन्नत में से भी, अहले तशय्यों में से भी। लेकिन वो लोग की जो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, अगर उनके दरमियान ये हफ्ते वहदत की बुनियाद पर बुनियाद रख दी जाए, तो ये बहुत सारे कत्लेआम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।
बिलखसूस हम कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए हैं, अगर इस हफ्ते वहदत को राइज कर दें तो इतना नज़दीक हो जाएंगे कि आने वाले इहतमाली खतरे भी हम तक नहीं आ पाएंगे। लिहाजा ये बहुत अहम मुनासिबत है कि जो हफ्ते वहदत है। आज की तारीख 25 दिसंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहि वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख है, हम आप सबको इस सिलसिले में तबरीक व तहनियत पेश करते हैं। इसके बाद की मुनासिबत आने वाली 14 रबीउल अव्वल मरग यजीद की तारीख। यजीद की एक्टिविटीज हमने बताई थी, मक्के से मुताल्लिक, मदीने से मुताल्लिक। यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद महरम से महरमों से निकाह करने वाला था, यजीद बेगुनाहों का कातिल था, यजीद बंदरों से खेलने वाला था, यजीद कुफ्र आमेज अशआर का कहने वाला था, जिनमें कुफ्र। ये वो तारीख है कि जिस दिन यजीद वासिले जहन्नम हुआ, 14 रबीउल अव्वल। इन सारी चीजों के नतीजे में सरकारे सईदुश्शुहदा चाहते हैं कि हम यजीदियत को पहचाने। यजीद जब मर गया उसका चैप्टर क्लोज हो गया, उसकी फाइल बंद हो गई। अब ये यजीद आलम इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर आलम इस्लाम को नुकसान से बचाना है तो हम ये देखें कि इस यजीद के बाद कौन है कि जो इसके किरदार पे चल रहा है, वो उस वक्त का यजीद। आज हम ये देखें कि आज कौन है जो यजीद के किरदार पे चल रहा है। सिफात को देखें यजीद के, कौन है जो शराब को आम करना चाहता है, कौन है जो मालिम के साथ निकाह को आम करना चाहता है, कौन है जो इंसानों को हैवानों में उलझाना चाहता है, कौन है जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कराना चाहता है, कौन है जो जुल्म को आम करना चाहता है, कौन है कि जो अपने हुकूमत की बुनियाद पे कमजोरों के ऊपर जुल्म करना चाहता है। ये आज का यजीद है। यजीद के किरदार के आईने में आज के यजीद को पहचाने और करबला के आईने में यजीद से मुकाबले के तरीके को पहचाने। आज की जरूरत यह है कि हम करबला के आईने में उस तरीके को पहचानने के बाद वो कुर्बानी दे कि आज के यजीद को भी लाचार कर दे। करबला के आईने में असीरी के आलम में भी अहले हरम ने यजीद का मुकाबला किया था। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि वो तो हुकूमत पे है, वो इतने बड़े पावर पे, हम क्या कर सकते। हम तो असीर तो नहीं ना, कम से कम चार लोग बात तो सुनने वाले हैं हमारे। लिहाजा हम अपने वक्त के यजीद को पहचाने और पहचानने के बाद उस यजीद के मुकाबले की कोशिश करें। आने वाली 15 रबीउल अव्वल वो तारीख है कि जिस दिन सरवर कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी थी और तामीर करवाई थी। उसके बाद आने वाली 18 रबीउल अव्वल वो तारीख है कि जिस दिन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिम सलाम की शेर दिल खातून जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बा सआदत की तारीख है। वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही 18 तारीख वो तारीख है कि जिस दिन रसूल ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी थी। अजीजो, हमारे लिए आज के जमाने में बहुत अहम हो गया है कि हम पहचाने कि मस्जिद है क्या। देखें कि रसूल मस्जिद को किस हैसियत से, रसूल कुबा में आए कुछ दिन के लिए आए, मस्जिद की तामीर की। रसूल मदीने पहुंचे, सबसे पहले मस्जिद की तामीर की। क्या कि रसूल ने मस्जिद, मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, मस्जिद इस्लाम का सेंटर है, मरकज है। मस्जिद इस्लाम का मरकज है। मस्जिद की हैसियत क्या है इसका भी पहचानना जरूरी है, मस्जिद की जरूरत क्या है इसका भी पहचानना जरूरी है, ताकि हमारे दरमियान वाकई मस्जिदें हों। रसूल की वो मस्जिद थी कि जिस मस्जिद से इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा, ये वो मस्जिद थी जिस मस्जिद से इस्लाम का डिफेंस हुआ है, दिफा हुआ है, ये वो मस्जिद थी जहां पर इस्लाम के दुश्मन पहचाने जाते थे। आज अभी भी बहुत से ऐसे बेचारे हैं कि जो फिक्र के एतबार से इतने पस्त हैं कि अगर उनके सामने ऐसी बातें की जाए अमरीका और इज़राइल के, तो मस्जिद में अमरीका और इज़राइल, रसूल ने मस्जिद ही में सारी बातें की थी। नॉलेज की कमी है ये कि जो इंसान इस तरह की बातें करता है। बहुत सारी पॉलिटिक्स की चीजें
रसूल के जमाने में मस्जिद में हल हुई थी, मस्जिद में तय हुई थी। मस्जिद मरकज है, मरकज। दुश्मनाने इस्लाम इस मरकज को तोड़ना चाहते हैं। देखें तारीख मिला के देखें कि मस्जिद की हैसियत क्या थी, रसूल मस्जिद से क्या लेना चाहते थे। हालात हाजरा में एक चीज सुनने में आई, बहुत अफसोस हुआ कि नौ रबीउल अव्वल को बाज़ जगहों पे ऐसे जश्न मनाए गए जिसमें वो कहां एक्टिविटीज की गई जो गैर इस्लाम। हम तो यूं ही, इस्लाम कहता है कि आप हराम चीजों को अंजाम ना दीजिए, गिना गलत है, गाना गलत है, जो हराम एतबार से। लेकिन अगर यही चीजें इस्लाम के नाम पे हो जाए तो और बदतर, बहुत अफसोस का मकाम है। इसका मतलब कि आप अपने आप को इस्लाम के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे, इस्लाम की बहावत कर रहे हैं इस्लाम के नाम। एक उर्दू न्यूज़पेपर जिसके दिल्ली के एडिशन ने अपनी एक न्यूज में हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी तंजीम लिखा। हम इसके मुकाबले में प्रोटेस्ट करते हैं, इतिजाज करते हैं, गलत है। अभी तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी उसको आतंकवादी तंजीम नहीं कहा, और हिजबुल्लाह आतंकवादी तंजीम है भी नहीं। कोई एक काम बताइए हिजबुल्लाह का कि जो इंसानियत के खिलाफ हो, इंसानियत के तहफ्फुज़ का नाम। हिजबुल्लाह वो है जिसने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम को बचाया। बेशक बेशक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हिजबुल्लाह वो है जिसने इराक में जाके मदद की है, आगा सिस्तानी के फतवे के मुताबिक जाके इराक में अमल किया। हिजबुल्लाह वो है कि जो इंसानियत, हाँ, अपने इंसानी हुकूक चाहती है। जो लोग हिजबुल्लाह के इंसानी हुकूक को पायमाल करना चाहते हैं, हिजबुल्लाह उनसे लड़ती है, और ये सबका हक है, ये बुनियादी हक। एक पेपर के निकलने का मतलब ये कि उसका अगर अवाम में, पब्लिक में कोई एतबार बन गया है तो अपने एतबार का गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि आपका जितना भी एतबार है ये हिजबुल्लाह के एतबार के सामने बहुत छोटा है। खर्च हो जाएगा आपका एतबार, खत्म हो जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं खत्म कर पाएगा। हिजबुल्लाह एक विलायती तंजीम का नाम है। हिजबुल्लाह इमाम हुसैन के वाकई आज़ादारों का नाम है। हिजबुल्लाह इस्लाम के बका के लिए कुर्बानी देने वालों का नाम। उनसे मुतालबा करते हैं कि वो इसकी माजरत को उसी एतबार से छापे, वरना फिर दूसरे एतबार से उनसे गुफ्तगू करनी होगी। हालात हाजरा में बहुत अहम मसला जो सामने चल रहा है वो नाइजीरिया का शेख ज़रज़की गिरफ्तार है। जैसा कि आपको खबर है कि उनके 6 बेटे शहीद हो चुके हैं, 3 खुद वाले मामले में, 3 इस मामले। बहुत बड़ी बात है राह इस्लाम में 6 बेटों को दे देना। इस सिलसिले में मुस्तमा उलमा खुतबा, जो बॉम्बे में उलमा खुतबा की कमेटी है, उसने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इकदाम था। अभी आने वाले दिन में इंशाल्लाह अभी उसका तफसील से ऐलान भी होगा। 27 तारीख को ह्यूमन चैन मरीन ड्राइव पे एक मुनाकिद की गई है। शायद वहां पे मुसलमान या शिया हज़रात, हमें लगता है कि पहली बार जा रहे हैं, जहां हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमको जुल्म के खिलाफ, आज जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। सरकार सैयद शोदा ने यही तो कहा है ना, इमाम अली अलैहिस्सलाम की यही तो वसीयत है ना, अगर जुल्म के खिलाफ हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं, तो हम जाके कुछ नहीं करना, खान अपने बैनर लेके खामोशी से खड़े हो जाना। कोई खतरा भी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है, तो बहुत आसान है पहला कदम। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी, इसलिए कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो जान दे रहे हैं, जो बेगुनाह, जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनको खत्म किए जाने की कोशिश की जा रही है। शेख ज़रज़की ने इस्लाम की राह में 6 बेटे कुर्बान किए हैं, तो शायद सिर्फ 6 घंटा कुर्बान करा, 6 घंटा इतना नहीं है, लेकिन हाँ ये जज्बा होना चाहिए। है अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत का जज्बा है कि वक्त आएगा तो अपना बड़ा से बड़ा सरमाया इस्लाम की राह में कुर्बान करें। इसलिए कि कर्बला की कौम है, जिसने दास्ताने कर्बला सुना है। हमारे बच्चे जब होश संभालते हैं तो दास्ताने कर्बला सुन के होश संभालते हैं, कुर्बानी की दास्तान सुन के होश संभालते हैं। हमको कोई कुर्बानियों से अलग नहीं कर सकता, हमको कोई शहादत से नहीं डरा सकता। यही वो दास्तान है और यही वो जज्बा है कि जिसने इतने लोगों को वहां शहादत देने का जज्बा दिया। 1000 से ज्यादा शहीद, होता कि 6000 गुफ्तगू। खुद
آغا زکزکی کے چھ بیٹے. اور اس پہ ہم نے یہاں شاید مجلس میں کہا بھی تھا کہ سعودیہ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ نائجیریا گورنمنٹ نے ملٹری نے جو کیا ہے وہ آتنکواد کے مقابلے میں ایک جنگ ہے اور صحیح شاید ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ آتنکواد کہتے کس کو. ان کی ڈکشنری میں آتنکواد کا لفظ معنی شاید الٹا ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے, جبکہ خود یہ اسٹیٹمنٹ یہ خود ایک دخل, اور خود بھی تیار ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم آئیں گے. دوسرے ملک کو دخل نہیں دینا چاہیے, یہ دخل دیں گے. دادا گیری, حالانکہ ہے بھی نہیں اسلام کی دادا گیری کریں, اس کے لیے بھی کچھ طاقت چاہیے, کچھ پاور چاہیے. تو دنیا اس ٹائم حق اور باطل کی جنگ لڑ رہی ہے, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی طرف سے حق کی حمایت کا اعلان کریں. الا ترون الى الحق الى يوم البه والى الباطل الى يتناهي عن ليرغب المؤمن في لقاء الله. سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. یہ چیز مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے. انی لا رال موت الا سعدا والحیات مع الظالمین الا براما. ہم حسین ابن علی ایسے حالات میں موت کو سعادت کی موت سمجھتے ہیں, ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی سمجھتے ہیں. اس ذلت سے نکال کے یقیناً ابھی موت کی منزل نہیں ہے, ابھی تو صرف احتجاج کی منزل ہے, لیکن بہرحال وہ بھی ایک سعادت ہے. اس سعادت تک پہنچنے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر جگہ جب بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو ہمیں آگے ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کا کوئی ظلم برداشت کرنا نہیں آتا ہے اور نہ آنا چاہیے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, ہمارے گناہوں کو بخش, ہمارے محرومین کو بخش, اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے, بالا جن کی شادی و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے, ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بالا رہبہ و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.